प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जारी कोरोना कर्फ्यू में पिछले करीब एक महीने से परिवहन सुविधा बंद है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट देते हुए बंदिशों में जरूर कुछ ढील दी है। परिवहन सुविधा पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच परिवहन सेवा शुरू होने का इंतजार कर रही जनता के लिए राहत भरी खबर ये है कि अगर सरकार के आदेश मिलते हैं तो परिवहन निगम बसें चलाने को तैयार है। इसके लिए परिवहन निगम ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। करसोग डिपो में लोगों को बार बार बसें खराब होने से पेश आ रही परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने नई बसें खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें पुरानी बसों को हटाकर इसकी जगह रूटों पर नई बसें दौड़ेंगी, जिसमें डिपो को भी नई बसें मिलेंगी। इस तरह नई बसों को मिलने से यात्रियों का सफर सुरक्षित और आरामदायक होने जा रहा है। करसोग डिपो में बहुत सी बसें पुरानी हो चुकी है, जो कई बार रास्ते में खराब होने से खड़ी हो जाती है। इस कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नई बसें मिलने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार के देश खोलने के होंगे तो हमारी तैयारी है, सभी बसेस को खोलने की, उनको सैनिटाइज करने की, पैसेंजर्स को कैसे बचाना है, ये हमने सारी तैयारी कर रखी। जब भी आदेश होंगे हम अपनी बसेस शुरू कर देंगे। जो बस स्टैंड करसोग में बन रहा है, इसकी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस है। अभी थोड़ा सा अप्रोच का थोड़ा सा इशू है, जिसमें आज मैं इंस्पेक्ट करके गया हूँ और अब इस कार्य को और अति शीघ्र पूरा करें इसके बारे में मैं जाके जो है वो अभी डिसीजन लूँ। इसमें हमारी कुछ बसेस का अभी उनको खरीदने के प्रपोजल हैं। जैसे हमारे पास बसेज उपलब्ध होती हैं, पुरानी बसेज को रिप्लेस करके हम नई बसेज भेजेंगे और डेफिनेटली करसोग को भी कुछ बसेज आएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए करसोग से धर्मवीर गौतम की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।